एक बात पूछूं, तुम्हारे पापा मेरी पड़ोस वाली आंटी से बात करते हैं क्या? एक बात पूछूं, वह तुमसे क्यों बात करता है? एक बात पूछूं, वह मुझसे प्यार करती है क्या? गाइज, इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले देखिए, मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूँ, फिर इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं फिर बताएंगे। हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि इश्कबाज लड़का, इश्कबाज लड़की, या फिर मनचला लड़का या मनचली लड़की। इन सबको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो इश्कबाज या मनचला दोनों सेम ही होएगा यहाँ पर। इसको बोलते हैं फ्लर्टी बॉय। फ्लर्टी बॉय मतलब होता मनचला लड़का या इश्कबाज लड़का, वैसे फ्लर्टी गर्ल, मनचली लड़की या इश्कबाज लड़की, इस तरीके से। अब चलिए देख लेते हैं कि उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, जो शुरू में मैंने बताया था आपको। सबसे पहले हमारे पास है, इसको कहते हैं एक बात पूछूँ, तुम्हारे पापा पड़ोस वाली आंटी से बात करते हैं क्या? ऐसे एक बात पूछूं, इसका होता है शैल आई आस्क वन थिंग। तो आप कैसे बोलोगे, शैल आई आस्क वन थिंग, डज योर फादर टॉक टू माय नेबर आंट, इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक बात पूछूं, वह मुझसे प्यार करती है क्या? तो शैल आई आस्क वन थिंग, डज सी लव मी, इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक बात पूछूं, वह तुमसे बात क्यों करता है? कैसे बोलोगे, शैल आई आस्क वन थिंग, व्हाई डज ही टॉक टू यू, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है, आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर करिएगा अगर आपको समझ में आ गया है तो। एक बात पूछूँ, तुम अपनी माँ से झूठ क्यों बोलते हो? ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।